बराबर की भागीदारी देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ते हुए दिख रही है। माना जा रहा है कि ऐसी जातियां जिनको सरकारी नौकरियों में सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनकी संख्या के अनुपात में लाभ नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में सरकार एक पहल करके एक मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही है। हमारे साथ सरकार में सहयोगी दल के रूप में ओम प्रकाश राजभर जी हैं। लगातार लंबे समय से आप मांग कर रहे थे कि अति पिछड़ों को या फिर ऐसी जातियों को जिनको उनके अनुपात में लाभ नहीं मिल रहा, अब ऐसा लग रहा कि सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए, जो वादा चुनाव के समय किया गया था, उस वादे पर सरकार अब अमली जामा पहनाने की तैयारी में है। तो अलग अलग जो हिस्सा पाए हैं, जो कम पाए हैं, जो नहीं पाए हैं, इस तरह की कैटेगरी बना के उनको हिस्सा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग रोहिणी कुलकर्णी के नेतृत्व में कमेटी गठित हुई है। 20 जून तक वो रिपोर्ट आ रही है और यहाँ भी जो कमेटी बनी है 4 सदस्य, 3 महीने के अंदर उसकी भी रिपोर्ट आनी है और चुनाव के 6 महीना पहले इसको लागू भी होना है। आपने कहा कि चुनावी मुहाने पर ये फैसला लागू हो सकता है। जो माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल सिस्टम, सभी विपक्षी पार्टियां एक ऐसी जातियों के नेता एक तरफ रहेंगे, बीजेपी इसको लागू करेगी, आपने कह रहा इससे लाभ इससे मिल सकता है, तो इसको एक मास्टर स्ट्रोक माना जाए बीजेपी का? देखिए, कल तक सपा बसपा कांग्रेस अकेले ये लोग लूटे हैं, अब ये तीनों मिल के लूटना चाहते हैं। इसी नाते आइन वक्त पर ये ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हो रहा है। इस ब्रह्मास्त्र में ये मिल के लूटने वाले लोगों को हम ब्रह्मलोक पहुंचाएंगे। बीजेपी इस वोट बैंक की तरफ लंबे समय से अपनी नजर बना के रखे हुए है, इनको इंटैक्ट रखना जरूरी है, क्योंकि तमाम पिछड़े वर्ग के नेता एकजुट होकर के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन आशीष के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। इधर यूपी में परिवहन सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य